मोहम्मद शमी होने वाला है अरेस्ट। ये खबर तो आप तक शायद पहुंच गया होगा। क्या आप ये जानते हैं कि किस लिए वो हो रहे हैं अरेस्ट और अभी क्यों हो रहा है? मोहम्मद शमी कहा है अगर देश के लिए कैरेबियन सीरीज खेल रहे हैं तो उन्हें कैसे अरेस्ट किया जाएगा, अरेस्ट के बाद उनका क्या होगा, ये सब जानने के लिए जुड़ी है मेरे साथ रहस्य लैब में ताकि मैं आज आपको सब कुछ बता सकूं। बात है 2018 साल के। असल में ये जो वारदातें हो रहा है ये मोहम्मद शमी और उनके वाइफ हसीन जहान के बीच का मसला है। असल में हसीन जहान का कहना है कि मोहम्मद शमी और उनका भाई ये दोनों डोमेस्टिक वायलेंस किए हैं और ये हुआ है हसीन जहान के साथ। 2018 साल में मोहम्मद शमी की बीवी हसीन जहान ने इसी डोमेस्टिक वायलेंस के चलते पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाए और ये हुआ था डोमेस्टिक वायलेंस IPC सेक्शन 498A के तहत। तो उसके बाद मोहम्मद शमी को बुलाया गया वहाँ पर हाजिरा देने के लिए, लेकिन मोहम्मद शमी आया नहीं और ये हाजिरा देने के लिए बुलाया था ACJM ने, लेकिन कोर्ट के सामने एक बार भी नहीं आए थे मोहम्मद शमी। वो बार बार ठुकराते रहे या फिर इग्नोर करते रहे क्योंकि वो इंडिया को सर्व करने में बिजी थे। हसीन जहान जो उनकी बीवी है जब देख रहे हैं बात बने नहीं तब उन्होंने सोशल मीडिया में एलिगेशन लगाना शुरू कर दिए। हसीन का कहना था कि मोहम्मद शमी के साथ एक लड़की की ताल्लुकात है जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और मोहम्मद शमी को वो फाइनेंशियली भी हेल्प करते हैं और बाद में उन्होंने कहा कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहा है उनके साथ जो कि वो नहीं सह सकते। बाद में जब इनको लेकर मोहम्मद शमी के बीच उन लोगों का झगड़ा हुआ तब मोहम्मद शमी के भाई भी इस झगड़े में उलझ गए और वहाँ पर दोनों ने मिलकर डोमेस्टिक वायलेंस किए। लेकिन मोहम्मद शमी ये बात ठुकरा रहे थे बार बार, ऐसा कुछ भी नहीं है, उल्टा मोहम्मद शमी भी उनके ऊपर एलिगेशन लगा रहे थे। मोहम्मद शमी का कहना था कि हसीन जहान थे एक मॉडल, लेकिन मैं कभी एक मॉडल को शादी नहीं की, मैंने शादी किया है हसीन को और हमारे मुस्लिम रिवाजों में जैसे कपड़े पहनना अलाउड है वो ऐसे कपड़े नहीं पहनते थे, वो बहुत खराब कपड़े पहनते थे जिससे कि मुझे ऑकवर्ड फील होता था, इसलिए बहुत बार हसीन को मैं समझाना चाहा लेकिन वो समझे नहीं और ये फेक डोमेस्टिक वायलेंस का केस मेरे ऊपर चढ़ा दिए। तो सोशल मीडिया में दोनों का गर्मा गर्म बातचीत होता ही रहता था और एक दिन हसीन जहान जाकर पहुंचा मोहम्मद शमी के घर और वहां पर बलपूर्वक शमी के घर में घुसना चाहा और शमी के घर वालों ने पुलिस को बुलाकर हसीन को कानून के हवाले कर दिया और ये हुआ था उत्तर प्रदेश के अमरोहा में। बात है 2019 साल की अप्रैल की महीने में। हालांकि उसे बाद में बेल में छुटकारा मिल गई थी लेकिन फिर भी वो ये डोमेस्टिक वायलेंस केस के ऊपर बने रहे थे और कोर्ट में बार बार बुलाने के बाद भी शमी नहीं आया कोर्ट में, तो इसीलिए कोर्ट ने एक 15 दिन का मोहलत दिया है और कहा है कि इन बीच में आ जाओ और सरेंडर कर दो और आप बेल के लिए अप्लाई भी कर सकते हो और अगर 15 दिन के अंदर शमी नहीं आए तो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, ये होना चाहिए या नहीं? आपको और किस बारे में इस चैनल पर वीडियो चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। दोस्तों मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपके कमेंट का।